मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स को तो बहुत सारे यूट्यूबर्स पहले से ही रैंक कर चुके हैं, तो क्यों ना आज हम इंडियन सुपर हीरोज को भी रैंक कर लें। अब मैं जानता हूँ कि इंडिया में बहुत ज्यादा सुपर हीरो मूवीज नहीं बनी हैं, पर जितनी भी बनी हैं उनसे हमें कुछ सुपर हीरो मिले हैं और आज हम उन्हीं सुपर हीरोज को रैंक करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैंने इन सुपर हीरोज को उनकी पावर्स के हिसाब से रैंक नहीं किया है, बल्कि मैंने इनकी स्टोरी लाइन और इन कैरेक्टर्स के पोटेंशियल को देखते हुए इन्हें रैंक किया है। वैसे भले ही अभी बॉलीवुड में इतनी ज्यादा सुपर हीरो मूवीज नहीं आई हो, पर फ्यूचर में बॉलीवुड भी काफी सारी सुपर हीरो मूवीज ला रहा है और मैंने 17 ऐसी सुपर हीरो मूवीज के बारे में बताया है जो कि बॉलीवुड में आने वाली हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो आई बटन पर देख सकते हो। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सुपर हीरो बताऊंगा वो सभी हमें लाइव एक्शन मूवीज में दिख चुके हैं और मैंने इस वीडियो में किसी सीरियल या कॉमिक्स के सुपर हीरोज को इंक्लूड नहीं किया है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है द्रोणा। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी और इसमें द्रोणा का रोल प्ले किया था अभिषेक बच्चन ने। सच बताऊं तो मैंने ये मूवी नहीं देखी है और ना ही मैं इसे देखना चाहता हूं। मैंने यूट्यूब पर इस मूवी के कुछ सीन देखे और देखने के बाद मुझे पता चला कि द्रोणा के पास कोई सुपर पावर नहीं है। अगर आप में से किसी ने ये मूवी देखी है तो कमेंट से बताना कि द्रोणा के पास कोई सुपर पावर है या नहीं। इस मूवी के जो विलेंस हैं यानी असुर, वो अमृत हासिल करना चाहते हैं और द्रोणा को उन्हें ऐसा करने से रोकना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि द्रोणा शेरवानी पहनकर क्यों घूम रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये उसकी कॉस्ट्यूम है। हाँ, ये उसकी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ही है। और ये प्रियंका के पास इतना खतरनाक हथियार कहाँ से आया? रुको एक मिनट। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सुपर हीरो की तरफ। फ्लाइंग जेट। इस फिल्म के दर्शन हुए थे हमें 2016 में। इसमें टाइगर श्रॉफ ने लीड रोल प्ले किया था और ये मूवी भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। इस मूवी में हमें राका नाम का विलेन दिखाया गया है जिससे फाइट करता है अपना हीरो फ्लाइंग जेट। पता है इस मूवी का बजट कितना था? लगभग 40 करोड़। और फिर कहते हैं कि इंडिया में सुपर हीरो मूवीज चलती नहीं है। जब भाई तुम 40 करोड़ के बजट में मून पर फाइट दिखाओगे तो VFX तो बेकार बनेंगे ही। अब मैंने फ्लाइंग जेट को द्रोणा से आगे इसलिए रखा है क्योंकि यार चाहे फ्लाइंग जेट कैसा भी है पर द्रोणा से तो बेहतर ही है। मिस्टर एक्स और मिस्टर इंडिया। अब मैंने मिस्टर एक्स और मिस्टर इंडिया को एक ही जगह पर इसलिए रखा है क्योंकि दोनों के पास सेम ही पावर है गायब होने की। जैसे मिस्टर इंडिया को हम रेड लाइट के थ्रू देख सकते हैं, वैसे ही मिस्टर एक्स सिर्फ शैडो में ही गायब हो सकता है। जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है वो दिखने लगता है, इसलिए ये ज्यादातर रात को ही निकलता है। मिस्टर इंडिया एक काफी अच्छी मूवी थी जिसने हमें मोगेम्बो जैसा विलन दिया और मिस्टर एक्स भी ठीक ठाक थी, पर इन कैरेक्टर्स के पास जो पावर्स हैं वो थोड़ी सी यूनिक हैं क्योंकि ये कैरेक्टर्स पूरी तरह से इनविजिबल नहीं हो सकते। एक को रेड लाइट में और दूसरे को धूप देखा जा सकता है और इसी वजह से इनके लिए किसी भी विलेन को हराना इतना आसान नहीं होता और यही चीज मुझे इन कैरेक्टर्स के काफी पसंद आई और इसी वजह से ये बाकी दोनों सुपर हीरो से आगे हैं। अब अगले सुपर हीरो की बात कर लेते हैं, तो वो है भवेश जोशी। जो लोग सुपर हीरो मूवीज के फैंस हैं वो तो इसे जरूर जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो भाई जाकर ये मूवी देखो, बहुत ही औसम है। भले ही इस कैरेक्टर के पास कोई सुपर पावर नहीं है पर इस कैरेक्टर में पोटेंशियल और डेप्थ है। इस मूवी में कोई ऐसा सुपर विलेन नहीं दिखाया गया है जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, बल्कि इसकी स्टोरी को काफी ग्राउंडेड रखा गया है जहां हमें एक पॉलिटिशियन को एज ए विलन दिखाया गया है जो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। भावेश जोशी मुझे बहुत पसंद आई और ये मूवी आपको भी निराश नहीं करेगी, इसलिए इसे एक बार तो जरूर देखना। इस मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर्स को काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है, इसी वजह से भावेश जोशी ये पोजीशन डिजर्व करता है। अगला सुपर हीरो है चिट्टी। चिट्टी सबसे पहले हमें 2010 में आई रोबोट नाम की मूवी में देखने को मिला था जिसमें इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया था रजनीकांत ने। चिट्टी एक रोबोट है पर वो ह्यूमंस की तरह प्यार और गुस्से को फील कर सकता है और यही बात उसे बाकी रोबोट से अलग बनाती है। इस मूवी के VFX पर्सनली मुझे काफी पसंद आए थे क्योंकि ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी और उस टाइम के हिसाब से एक इंडियन मूवी के लिए ये VFX काफी अच्छे थे। रोबोट मूवी की फाइनल बैटल काफी जबरदस्त थी क्योंकि ऐसी बैटल उस वक्त तक इंडियन मूवीज में किसी ने नहीं देखी थी और एक अच्छी होने की वजह से ही चिट्टी इस वीडियो में 4th रैंक पर है। चिट्टी को इंसानों की भलाई के लिए बनाया गया था पर मूवी में आगे चलकर वो विलन बन जाता है जिस वजह से उसे ऑफ करना पड़ता है। पर 2018 में आई 2.0 में उसे फिर से वापस लाया गया, पर मुझे 2.0 से ज्यादा इसका फर्स्ट पार्ट पसंद है। टॉप 3 से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। G1। अब इससे पहले कि आप कुछ बोलें, मैं ही आपको बता देता हूँ कि मैंने जीवन को चिट्टी से आगे क्यों रखा है। तो इसका बस एक ही रीजन है और वो है कैरेक्टर का यूनिक होना। अब देखो, रावण और जीवन दोनों ही एक वीडियो गेम से रियल वर्ल्ड में आए हैं और शायद ही इंडिया में कोई और मूवी में ऐसा दिखाया गया होगा, इसी वजह से मैंने इसे 3rd रैंक दी है।
रावण 2011 में रिलीज हुई थी, जिसमें जीवन का रोल SRK और रावण का रोल अर्जुन रामपाल ने प्ले किया था। पर्सनली मुझे ये मूवी इतनी ज्यादा भी बुरी नहीं लगी थी, और जो इस मूवी की सबसे खास बात थी वो थी इसके VFX। इसके VFX पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था और जिसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। जीवन एक गेम का कैरेक्टर है जो गेम से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आकर रावण को रोकता है। अब जीवन एक गेमिंग कैरेक्टर है तो उसके पास पावर्स तो होनी ही थी, जैसे कि इस सीन में ये अकेला ही इस आउट ऑफ कंट्रोल ट्रेन को रोक देता है। जीवन बाकी कैरेक्टर से यूनिक होने की वजह से ही इस पोजीशन पर है। नंबर 2 पर है क्रिश। ये सुपर हीरो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है और इसकी फिल्मों ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है, जिस वजह से ये अभी तक जिंदा है। क्रिश सीरीज अगर ऐसे ही हिट चलती रही तो शायद हमें फ्यूचर में क्रिश के यूनिवर्स में और भी नए सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। क्रिश को उसकी सुपर पावर एक एलियन की वजह से मिली है, जिस एलियन को हमने कोई मिल गया मूवी में देखा था। जब क्रिश मूवी आई थी तब क्रिश के पास सिर्फ गिनती की ही पावर्स थी, जैसे कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और वो काफी लंबी जंप लगा सकता था। पर क्रिश 3 में उसे और भी कई सारी न्यू पावर्स दे दी गई हैं, जैसे कि अब वो फ्लाई कर सकता है और फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। अब मुझे इस पावर का नाम पता नहीं था तो मैंने फोर्स फील्ड बोल दिया। तो इन न्यू पावर्स की वजह से ही क्रिश काल को हरा पाया था, और अब क्रिश 4 भी आने वाली है जिसमें हमें क्रिश 3 के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी। अब क्रिश को न्यू पावर्स देकर उसे और भी बेहतर बना दिया गया है, जिस वजह से लोग उसे काफी पसंद करते हैं, और इसी वजह से मैंने क्रिश को सेकंड पोजीशन पर रखा है। अब नंबर 1 तो आप सब समझ ही गए होंगे, जो है शक्तिमान। अब शक्तिमान को तो नंबर 1 पर होना ही था, क्योंकि यार इसकी बात ही अलग है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि शक्तिमान की मूवी नहीं आई है तो मैंने इसे इस लिस्ट में क्यों रख लिया, तो भाई मैं आपको बता दूं कि शक्तिमान की मूवी आई है, भले ही वो थिएटर में नहीं टीवी चैनल पर रिलीज की गई हो, पर मूवी तो मूवी होती है। शक्तिमान बहुत ज्यादा पावरफुल है और इंडिया में लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है। शक्तिमान में हमें कई सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स भी दिखे थे, जैसे डॉक्टर जेकॉल, किल्बिस और भी कई सारे, पर किल्बिस को शक्तिमान का मेन विलेन माना जाता है। मैं जानता हूं कि जब से शक्तिमान बंद हुआ है तब से वो हमें दोबारा नहीं दिखा, पर अब शक्तिमान पर एक नहीं, दो नहीं, तीन मूवीज आ रही हैं, जो कि एक मूवी सीरीज के रूप में आएंगी। अगर आप इस लिस्ट से एग्री नहीं करते हो तो कमेंट्स में हमें अपनी लिस्ट बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।